मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को भोपाल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भोपाल जिला अदालत ने लाल सिंह आर्य को माखनलाल जाटव हत्या के मामले में जमानत दी है। बता दें 13 अप्रैल 2009 को गोहद से विधायक माखनलाल जाटव की हत्या हो गई थी। मामले में भिंड की जिला कोर्ट ने लाल सिंह आर्य को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कर वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी होने के बावजूद मंत्री लाल सिंह आर्य कोर्ट में पेश नहीं हुए और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आर्य को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद भोपाल के विशेष अदालत में आर्य ने सरेंडर किया, जहां उन्हें 1 लाख की मुचलके पर जमानत दे दी। वही मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस चीज को कोर्ट किया और उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, यहाँ मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी ने जांच की, सीबीआई ने, उसने हमारा कभी भी अपोज नहीं किया क्योंकि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। आज की स्थिति में भी हमारे खिलाफ कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक वजह से जो भी रहा हो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। हमको इसमें इन्वॉल्व किया गया, आज हमने हाईकोर्ट ने हमको अग्रिम जमानत दी। हम चाहते तो अभी भी हम बाहर रह सकते थे, ट्रायल में नहीं आते, लेकिन लाल सिंह आर्य जी का ये कहना था कि नहीं, हमको कोर्ट का सम्मान करके हम कोर्ट में हाजिर होंगे, ट्रायल को फेस करेंगे, हमारी बात कहेंगे, चूंकि हमने कुछ नहीं किया है इसलिए।